ये ज़बरदस्ती की हुई आप लोगों को, काफ़ी महंगी पड़ी। ध्यान ये रखना है जब भी आप चार्जिंग जैक को साफ़ करें तो। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई एक जो है मोबाइल से रिलेटेड यूज़फुल टिप्स लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल हर कोई यूज़ करता है। और दोस्तों ये जो टिप्स होने वाली है ये सभी के लिए इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो आपके पास कोई भी फ़ोन है और जब भी आप फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो कई बार जो है चार्जिंग लगता है, कई बार हिलता रहता है और जो है चार्जिंग कई बार कनेक्ट भी नहीं होता, जबकि आपका चार्जिंग जैक भी ठीक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को यही जो है जानकारी देने वाला हूँ और मैं उस जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हूँ। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास ये सैमसंग का फ़ोन है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ पे शायद आपको ना दिख पाए लेकिन मैं जो मोबाइल काउंटर पे आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ तो ये लग नहीं रहा है। ठीक है, चार्जिंग की केबल भी जो दोस्तों थोड़ी सी बाहर है। अभी मैं आप लोगों को जो है मोबाइल काउंटर पे आपको समझाता हूँ और इस प्रॉब्लम को जो है सोल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को रिपेयरिंग काउंटर पर जो है बताता हूँ। चलिए सो दोस्तों, मेरे पास ये जो फ़ोन है ये सैमसंग का, आपके पास कोई भी फ़ोन हो, चाहे आपके पास टच का है, कीपैड का, कोई फ़र्क नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना कि आपके मोबाइल में इस तरह का यूनिवर्सल जैक है। जैसे मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो चार्जिंग की केबल है ये बाहर रहती है, ये अंदर मतलब अच्छे से जो है अंदर नहीं बैठती। और अगर मान लो आपका जैसे ये फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगा, अगर लग भी जाता होगा तो अगर केबल बाहर है तो चार्जिंग हिलेगी दोस्तों, अच्छे से कनेक्ट नहीं होगी अंदर चार्जिंग जैक से। तो अभी ये जो केबल बाहर है दोस्तों इसी को जो मैं रिपेयर करूँगा, तो वीडियो को जो है पूरा देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने जो है कैसे इसको रिपेयर किया है। जैक को इसके लिए मेरे को क्या क्या चीज़ चाहिए? मेरे पास ये एक चिमटी है सर्जिकल ब्लेड से, मैं जो इसको चार्जिंग जैक को जो है क्लीन करूँगा। इसको मैं दोस्तों थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसको आप कैसे जो है क्लीन करेंगे। ठीक है, ये आपका चार्जिंग जैक है। तो अभी मैं क्या अभी मैं दोस्तों चिमटी की मदद से जो इसको क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने ध्यान ये रखना है जब भी आप चार्जिंग जैक को साफ़ करें तो ये जो इस साइड जो प्लेट लगी हुई है, ठीक है, इसी पे जो आपका चार्जर कनेक्ट होता है, आपको इस साइड से बिल्कुल भी क्लीन करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप इसको ऐसा यहाँ से क्लीन करोगे तो ये जो है प्लेट यहाँ से टूट भी सकती है, आप तोड़ भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको उस साइड से साफ़ नहीं करना, आपको उसके सामने से साफ़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो मैं आप लोगों को क्लीन करके दिखाता हूँ इसके अंदर कितना डस्ट है, आप खुद ही देख लेना दोस्तों। आपके जो चार्जिंग जैक होता है उसके अंदर भी ऐसे डस्ट मिलेगा आपको, अगर वो चार्जिंग की पिन जो है अंदर अच्छे से बैठ नहीं रही है तो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कचरा फंसा हुआ है यही कारण होता है दोस्तों कि आपकी जो केबल है वो बार बार हिलती है और आपका जो चार्जर जो है मोबाइल में अच्छे से कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसको जो मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो डस्ट है ये काफ़ी है। ठीक है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, अभी दोबारा से फिर ट्राई करता हूँ। दोस्तों अगर आप अपने चार्जिंग जैक से जो है डस्ट निकाल दोगे अच्छे से तो आपका जो है चार्जिंग जैक भी लगे मतलब चार्जिंग भी लग जाएगा फ़ोन और आपको जो है केबल बाहर भी नहीं रहेगी। ठीक है, अभी मैं जिसको क्लीन करके आप लोगों को दोबारा से दिखाऊँगा कि हमारा चार्जिंग जैक जो ठीक हुआ या नहीं हुआ। और कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका मान लो मोबाइल नया है और उसके अंदर मान लो चार्जिंग जैक के अंदर कचरा फंस गया, तो आप ये सोचते हो ना कि भाई केयर पे ना ले जाया जाए, इसकी गारंटी भी रही जाए और इसको जो आप घर पे रिपेयर कर पाएँ। तो उसका दोस्तों मैं आप लोगों को यही तरीका आप जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर जो है चार्जिंग जैक को जो है ठीक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को जो है पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि मेरी जो वीडियो है दोस्तों, मैं वीडियो तो काफ़ी डाल चुका हूं लेकिन उन पे जो वॉच टाइम है वो बहुत ही कम है, किसी पर 6 मिनट है दोस्तों, किसी पर 10 मिनट है। मेरी एक वीडियो जो अच्छी चली है दोस्तों वो है 5A का जो है दोस्तों, वो गूगल अकाउंट को बाईपास करके दिखाया कि कोई MI का 5A मोबाइल है उस पर लॉक लगा हुआ है जीमेल वाला, और जीमेल को जो है आपको पता नहीं तो उसको आप बाईपास कर सकते हैं। चार्जिंग जैक जो क्लीन हो चुका है एक हिसाब से,
अभी जो मैं केबल लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा, हमारी जो केबल है वो अच्छे से लग जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा कोने की साइड अभी डस्ट है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। आपको बस दोस्तों थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जहाँ पे ये प्लेट सी लगी हुई ना बीच में चार्जिंग जैक की, बस यहाँ पे आपने कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ की ज़बरदस्ती की हुई आप लोगों को काफ़ी महंगी पड़ सकती है, चार्जिंग जैक जो है टूट सकता है और आपको फिर फाइनली जो है दोस्तों वो चेंज करवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैं जो थोड़ा सा जो है ब्रश इसमें लगा देता हूँ, ताकि जो अच्छे से थोड़ा बहुत जो डस्ट चिपका हुआ साइड में वो जो है निकल जाए अच्छे से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो चार्जिंग जैक है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपको चार्जिंग लगा के दिखाता हूँ। तो अभी जो है मैं इसको चार्जिंग पे लगा के देखता हूँ हमारा जो चार्जिंग कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, अभी जो मैंने साफ़ किया है, ठीक है, अभी देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैंने चार्जिंग जैक को जो साफ़ किया है वो चार्जिंग हो रहा है अभी, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी जो है मोबाइल के चार्जिंग जैक को जो है रिपेयर कर सकते हैं घर पर ही, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आपको पता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को जो प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।